ग्रेटर नोएडा में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जहां पर एक तरफ का जोर शोर से स्वागत किया गया, वहीं पर उनकी दूसरी तरफ जेपी नड्डा का स्वागत में लोग दबंगई और गुंडागर्दी पर उतर आए। पहले तो एक कार्यकर्ता ने महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ कर दी, उसके बाद कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पर पुलिस से ही भिड़ गई। जेपी नड्डा की सुरक्षा को तोड़कर कार्यकर्ता पहले तो खुद नियम कानून तोड़ रहे हैं, फिर पुलिस को कानून सिखाते रहे और सरेआम कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। फिलहाल छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी नड्डा के स्वागत के दौरान एक कार्यकर्ता महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ करता है और फिर जब पुलिस उस आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लेती है तो कार्यकर्ता अपने पार्टी का रौब दिखाते हुए किस तरह से पुलिस के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करते हैं, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। किस तरह से मीडिया के कैमरे को बंद किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट का है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत होना था, जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और जब नड्डा पहुंचे तो सबको फोटो खींचने की होड़ मच गई। इसी दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, जिसके बाद उसको हिरासत में लिया गया और ड्रामा शुरू हो गया। भाजपाइयों ने पुलिस को खरी खोटी सुनाई, साथ ही मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से महिला पुलिसकर्मी ये कह रही है कि मेरे साथ एक बीजेपी कार्यकर्ता ने छेड़छाड़ की है। लेकिन कुछ दबंग कार्यकर्ता इस मामले को दबाने के लिए पुलिस से गाली गलौज कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया ने इसे रिकॉर्ड करना चाहा तो उनके मोबाइल छीने और बदतमीजी भी की। आज हमारी कुछ महिला पुलिसकर्मी ड्यूटीरत थीं ये जीरो पॉइंट पे, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम था स्वागत का किसी महानुभाव का। उसी के दौरान वो कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो उसके बाद वहाँ पे उपस्थित एक आदमी ने हमारे एक महिला कर्मी से अभद्रता की है, जिसके कारण मुकदमा कायम हुआ है और उस आदमी को गिरफ्तार किया है। टाइम 24 न्यूज के लिए नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।